हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेके आए हैं साउथ इंडियन की नई डिश उपमा। आज हम बनाएंगे मसाला उपमा। मैं अपने तरीके से बनाऊंगी, थोड़ा सा अलग है, तो प्लीज़ पूरी रेसिपी देखने के लिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। फ्रेंड्स, मैंने गैस ऑन कर दिया, गैस के ऊपर पैन रख गया। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 चम्मच। जो हमारी मूंगफली है पहले उसे सेलो फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे मूंगफली, मूंगफली को थोड़ा अच्छे से भून लेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, मूंगफली ऑलमोस्ट हमारे पूरे रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने सेम पैन यूज़ किया है, ऑयल भी इसमें ऑलमोस्ट काफ़ी है। तो अब हम इसमें डालेंगे सरसों के दाने, साथ में डालेंगे गार्लिक, क्योंकि हम मसाला उपमा बना रहे हैं। और साथ में डालेंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता। उसको मैं अपने स्टाइल से बना रही, थोड़ा सा अपने तरीके से। तो हम मसाला उसको बनाने के लिए हम क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो देखेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे अनियन, उसको भी एक बार फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को नॉर्मल रखेंगे, हमें बहुत ही हाई और बहुत ही लो नहीं रखना है। और फ्रेंड्स, अनियन हमारे ऑलमोस्ट पक चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे पत्ता गोभी, ये मैंने सारी वेजिटेबल्स बारीक चॉप की हुई है। शिमला मिर्च, और अब डालेंगे हम टमाटो एंड ग्रीन चिली। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, सारी सब्जियां हमारी थोड़ी थोड़ी पक चुकी है। तो अब हम इसमें सूजी ऐड कर लेंगे। मैंने 1 कटोरी सूजी ली है और इन सबको अच्छे से भून लेंगे। इस तरीके से सूजी को हमें थोड़ा सा भून लेना है, ताकि हम इसमें पानी डालें तो बहुत जल्दी फूल जाए। इसी तरीके से हमें 2 से 3 मिनट इसे चलाना है। और फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, सूजी हमारी अच्छी तरह से भुन चुकी है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये हम पहले इसमें सॉल्ट डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसके बाद डालेंगे रेड चिली पाउडर, क्योंकि फ्रेंड्स हम मसाला उत्पम बना रहे हैं, तो हम इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे। ये मैंने मैगी मसाला लिया है, हम इसमें मैगी मसाला डालेंगे और इसको एक बार दोबारा मिक्स कर लेंगे। मैंने मसाला इसमें मैगी मसाला यूज़ किया है, और नमक और रेड चिली पाउडर, इसके अलावा नॉर्मल कोई मसाले यूज़ नहीं किए हैं। और हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें नॉर्मल पानी डालेंगे, रूम टेम्परेचर का पानी, और इसे मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, क्योंकि पानी को अभी सूजी अच्छी तरह से सोख लेगी। गैस की फ्लेम थोड़ा हाई रखेंगे। ये देखिए, धीरे धीरे ये थोड़ा
पानी सूख रही है, देखो ये देखिए, हमें इसे चलाते रहना है जब तक ये थोड़ा सा और सूख ना जाए। देखिए, और फ्रेंड्स हम मूंगफली ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। ये देखिए, इसी तरीके का हमें चाहिए एकदम, ये टेक्सचर चाहिए एकदम इतना गाढ़ा। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा उपमा रेडी हो चुका है, तो चलिए अब सर्व करते हैं। फ्रेंड्स उपमा हो चुका है हमारा रेडी बहुत ही इजी तरीके से। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स है आप डाल सकते हैं, अगर इसमें से कोई भी वेजिटेबल्स आप नहीं खाते तो स्किप भी कर सकते हैं, आप इसे अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैंने मसाला उपमा बनाया है तो आप प्लीज़ ये वाली रेसिपी ज़रूर एक बार ट्राई करें। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, अगर आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें एंड शेयर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।